इस सीरीज में आप जिस पुस्तक के बारे में सुनेंगे उसका नाम है द हर्मिट यानी साधु। इसे लोबसांग रंपा ने लिखा है। इसके मूल लेखक हैं टी लोबसांग रंपा, हिंदी रूपांतरण करता हैं डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी, और इस पुस्तक को निःशुल्क वितरण के लिए लिखा गया है। तो आइए हम सुनते हैं अनुवादक का निवेदन। प्रस्तुत पुस्तक माननीय लोबसांग रंपा की 19 पुस्तकों में से 12वीं पुस्तक है, जबकि मेरे अनुवाद क्रम में यह चौथी पुस्तक है। इससे पहले रंपा की आत्मकथा में तीसरी आंख, लासा का डॉक्टर और रंपा की कहानी प्रस्तुत की जा चुकी है। पाठकों ने इन पुस्तकों को हाथों हाथ लिया है और मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजी हैं। पाठकों के इस कृपापूर्ण सहयोग के लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूं। वर्तमान में तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में 7,000 से अधिक गुफाएं ज्ञात है, जिनमें से अधिकांश में बौद्ध साधु रहते हैं, जो आत्मा की पुकार पर स्वयं को इन गुफाओं में बंद कर लेते हैं। केवल मृत्यु ही उनको गुफाओं से बाहर निकाल सकती है। उनको लामा मठों की ओर से तसंपा और पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। एक स्वयंसेवक सदैव उनके आसपास देखभाल के लिए रहता है। यदि स्वयंसेवक किसी कारण से गुफा के साधु को तसंपा और पानी न पहुंचा सके तो निश्चित रूप से साधु अकाल मृत्यु से मर जाएगा। यहाँ पे तसंपा का जो जिक्र किया जा रहा है ये एक पेय पदार्थ होता है, जैसे हम चाय पीते हैं ना वैसे ही। एग्जैक्टली चाय नहीं होता, लेकिन ये ऐसा ही कुछ एक पेय पदार्थ होता है। फिर भी तिब्बत साधु आत्मा की पुकार पर आत्मा को शरीर और मन दोनों से अलग देखने तथा आत्मज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ इस व्रत का पालन करते हैं और मानवीय शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। तिब्बत की तरह भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी अनेक ऐसे गुप्त मठ हैं जिनमें रहस्यमय ढंग से उच्च अवस्था प्राप्त और मानवीय शक्ति संपन्न अनेक योगी और साधकगण निवास करते हैं, जिनमें बौद्धों के अतिरिक्त साक्त और कापालिक संप्रदाय के तांत्रिक भी सम्मिलित हैं। साक्त और कापालिक संप्रदायों के उच्च स्तरीय तांत्रिक साधक सामान्यतः स्वयं को सरलता से प्रकट नहीं करते। वे स्वयं के प्रति विरक्त और जगत के प्रति अनासक्त भाव रखते हैं और निष्काम भाव से सतत अपनी साधना में लीन रहते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे ही एक तिब्बती लामा की कहानी है, जिसे अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में अतिक्रमणकारी चीनियों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। उसे क्रूरतम यातनाएं दी जाती है, उसकी आंखें नोचकर बाहर निकाल दी जाती है ताकि उसे दलाई लामा अथवा राज्य एवं प्रशासन से संबंधित गोपनीय जानकारियां, रहस्यमय धार्मिक ज्ञान अथवा धर्म साहित्य अथवा पांडुलिपियों की जानकारियों जो उनके पास हो सकती है उससे उगलवाया जा सके। क्रूरतम यातनाओं को झेलने के बाद भी वह अपना मुंह नहीं खोलता और अंत में चीनी लोग उसे मरा हुआ समझकर एक तरफ फेंक देते हैं। तभी रात की ठंडी हवा से उसमें चेतना जागृत होती है और वह उसी अवस्था में, जबकि उसकी दोनों आंखें गोलकों में से निकाल दी गई है और वे उसके गालों पर लटक रही है, गिरता पड़ता ऊपर पहाड़ी की ओर चल देता है और यात्रा के बाद अंत में वह एक स्थान पर पहुंच जाता है जहां दूसरे ग्रह के कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसके मस्तिष्क में कुछ विशेष क्रियाओं के द्वारा कुछ उपकरण लगाए जाते हैं और तब उसे विभिन्न प्रकार की ज्ञानों की स्मृतियों से भर दिया जाता है, जो आकाशिक अभिलेख यानी आकाशिक रिकॉर्ड तिब्बत के पठार के जमीन से ऊपर उठने, पृथ्वी के जन्म आदि से संबंधित है। ज्ञान देने वाले लोग स्वयं को इस पृथ्वी से और इस आकाश गंगा से भी अलग किसी अन्य लोक का उच्च विकसित निवासी बताते हैं और स्वयं को पृथ्वी के बागवान कहते हैं। इन बागवानों का कहना है कि वे अपने लोक पर रहते हुए अंतरिक्ष यानों द्वारा विभिन्न लोकों की यात्रा करते हैं और विभिन्न लोकों पर उन प्राणियों और वनस्पतियों को स्थापित करते हैं जो वहां के वातावरण के अनुसार स्वयं को व्यवस्थित कर सके और आनुवांशिक प्रगति के साथ साथ स्वयं की आत्मिक उन्नति भी कर सके।
उनके कथन के अनुसार पृथ्वी पर कई बार विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों को रखा गया है और वे अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अविश्वास आदि दुर्गुणों के कारण परस्पर लड़कर समाप्त हो गए। यहाँ तक कि मानव की एक प्रजाति ने भूतकाल में वैज्ञानिक उन्नति करते हुए परमाणु शक्ति और अन्य घातक हथियारों का आविष्कार भी कर लिया था और एक दूसरे के विरुद्ध उनका प्रयोग करके पूरी पृथ्वी को प्राणीहीन बना दिया था। अतः परमाणु के प्रदूषण के समाप्त होने के कुछ शतकों बाद उन्होंने नई दूसरी प्रजाति अर्थात वर्तमान मानव जाति को यहाँ रोपा और उससे आध्यात्मिक प्रगति करने की, नैतिकता, सौहार्द्रता, समन्वय आदि बनाने की अपेक्षा की, परंतु वे पृथ्वी की वर्तमान मानवीय गतिविधियों, विशेषकर पिछले दो महायुद्धों में हुए विनाश के कारण अप्रसन्न दिखाई देते हैं, जिनमें परमाणविक प्रदूषण अत्यधिक बढ़ गया है और उनके अनुसार यदि ऐसा दोबारा हुआ तो इससे दूसरे लोगों को भी नुकसान हो सकता है। विध्वनि प्रदूषण को, जो मानवीय प्रभा मंडल को अत्यधिक प्रभावित करता है, परमाणविक प्रदूषण से भी अधिक हानिकारक बताते हैं। अतः उन्होंने इस्लामा के माध्यम से सभी प्रकार के प्रदूषणों, विशेषकर नाभिकीय और ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अपना असंतोष जाहिर करते हुए मानव जाति से नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास करने की अपेक्षा की है। उन्होंने इस साधु लामा को, जो लामा मिंग्या डोंडूप से परिचित हैं, पूरी मानव जाति में यह संदेश प्रसारित करने के लिए चुना, क्योंकि इस लामा की स्मृति स्वयं में अद्भुत थी और उन्होंने कुछ विशेष युक्तियों द्वारा लामा की स्मृति को और अधिक बढ़ा दिया था। पूरा ज्ञान इस लामा के मस्तिष्क में भरने के बाद अंत में इसको सम्मोहन में ले जाकर कुछ निर्देश दिए, जिससे कि समय आने पर वह अपने ज्ञान को केवल एक विशेष व्यक्ति को, जो उसको बाद में किसी समय मिलेगा, ही दे सके, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। वह नौजवान लामा, जो परिस्थितियों एवं संकेतों के अनुसार लोबसांग रंपा ही दिखाई देता है, जो तिब्बत में चाकपोरी में रहकर अपने गुरु लामा मिंग्या डोंडूप से शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है, को उसकी यौवन अवस्था में वह ज्ञान दे देता है। बूढ़े लामा को पृथ्वी के बागवान एक अत्यंत एकांतपूर्ण गुफा में, जो विशेष रूप से उसके लिए बनाई गई थी, छोड़ जाते हैं और वह अंधा लामा 60 वर्ष से अधिक समय तक उसी गुफा में अकेला कई बार निराहार रहकर भी जिंदा बना रहता है और उस नवयुवक लामा लोबसांग रंपा को अपना ज्ञान दे देता है। नवयुवक रंपा को पूरा ज्ञान दे देने के बाद तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है और रंपा उचित परंपराओं के साथ उसके शव का वायु संस्कार करने के बाद वहां से प्रस्थान करते हैं। पुस्तक की वर्तमान कथा वस्तु यहीं पर समाप्त हो जाती है। रंपा को उनसे ज्ञान प्राप्त कर भविष्य में इसको पूरी दुनिया को देने के लिए निर्देशित किया जाता है, ताकि मानव जाति समय रहते स्वयं में सुधार कर सके। अतः जैसा कि प्रथम तीन पुस्तकों में रंपा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, वह द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जापानियों के हाथ पड़ जाती हैं, उन्हें अनेक कठोर यातनाएं झेलनी पड़ती है। अंत में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में परमाणविक बम के विस्फोट के बाद मची भगदड़ में जापान से भागकर रूस, पोलैंड, जर्मनी आदि देशों में यात्रा करते हुए इंग्लैंड, कनाडा, आयरलैंड और अमेरिका आदि देशों में निवास करते हैं। अपने मूल शरीर को तिब्बत के एक मठ में छोड़ देते हैं और अपनी आत्मा को इंग्लैंड के एक अंग्रेज के शरीर में परकाया प्रवेश के द्वारा प्रतिष्ठित करते हैं, जहाँ प्रारंभ में अनेक आर्थिक परेशानियों से जूझने के बाद अपने स्वर्गीय साथियों के अनुरोध पर अनमने मन से पुस्तकें लिखने का प्रयास शुरू करते हैं और अपने अंतकाल तक पुस्तकें लिखते हैं, जिनमें अनेक अविश्वसनीय, अनोखे तथ्य बताए जाते हैं। रंपा अपनी हर पुस्तक में ये दावा करते हैं कि उनकी पुस्तकों में लिखा गया प्रत्येक शब्द सत्य है और ये सत्य भविष्य में आने वाले कुछ दिनों में और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। वर्तमान में लामा द्वारा चर्चा में लाए गए प्राणायाम, प्रभा मंडल, अतिन्द्रिय ज्ञान, दुरानुभूति, सम्मोहन आदि विषयों पर मनोविज्ञान में काफी शोध कार्य चल रहा है। प्रभा मंडल के विषय में किरलियन फोटोग्राफी के उपयोग से रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में गंभीरता से शोध कार्य हो रहा है।
वर्तमान में मुंबई में भी डॉक्टर जी एम शाह एवं अन्य लोग चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में शायद रंपा का मशीनों के द्वारा प्रभामंडल की जांच करने और आवश्यकता अनुसार प्रभामंडल को ठीक करने का उनका सपना साकार हो सकेगा। मैं आसान सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रभामंडल होता क्या है। ऐसे मैंने एक दो वीडियो मैंने एमसी ट्यूब पे बनाया है, जैसा करके हम टीवी सीरियल में देखते होंगे कि जो भगवान होते हैं उनके सर के चारों तरफ गोल गोल एक चक्र घूमता है, तो वही प्रभामंडल है। ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसको मैं कवर करूँगा और बहुत जल्द मैं, अगर आप लोग चाहते हैं अपने प्रभामंडल से कुछ जानकारी, तो वो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो अभी मैं थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वो दे दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप भी अपने प्रभामंडल के बारे में जान सकते हैं। तो आइए हम पुस्तक पे चलते हैं। पुस्तक में दी गई जानकारी अविश्वसनीय और अकल्पनीय लग सकती है, परंतु इसको सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है। तिब्बती साधु ने पृथ्वी के जन्म की कहानी का विस्तार के साथ वर्णन किया है, परंतु पृथ्वी के जन्म को किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा जा सकता था और न ही किसी प्रकार से इसका सत्यापन किया जा सकता है। केवल विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों, गणनाओं और संभावनाओं के आधार पर कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए ये एक अनुमान है कि पृथ्वी पर लगभग हर 50 लाख साल बाद हिमयुग आता है। पिछला हिमयुग लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व आया था। पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है, शताब्दियों के बाद वह बर्फ पिघलती है और पूरी पृथ्वी पर सर्वत्र जल ही जल हो जाता है। इसे जल प्लावन या प्रलय कहते हैं। ऐसी प्रलय पृथ्वी पर कई बार हो चुकी है, जिसमें सभी जीवधारी और वनस्पतियां समाप्त हो जाती है, और शताब्दियों के बाद परिस्थितियां सामान्य होने पर पृथ्वी पर पहले वनस्पतियां और उसके बाद प्राणी उत्पन्न होते हैं। साधु के माध्यम से पृथ्वी के बागवानों ने चेतावनी दी है कि मानव को विश्व सत्ता के विधान, जो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर लागू होते हैं, का पालन करना, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ न करना और दूसरे लोगों के साथ सह अस्तित्व में शांतिपूर्वक रहना चाहिए। निश्चय ही ये चेतावनियां मानव जाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब हम विशेष रूप से हमारे ऊपर शासन करने वाले या हमारा नेतृत्व करने वाले राजनैतिक नायक और वैज्ञानिक शोध कार्य करने वाले प्रबुद्ध विद्वान कितना ध्यान देते हैं, ये समझने की बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सृष्टि में हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड हो सकते हैं जिसको मल्टीवर्स भी कहते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य निहारिकाएं यानी गैलेक्सी होती हैं। हम अपने ब्रह्मांड में से मात्र 2 या 3 निहारिकाओं को ही देख पाते हैं। अनेक निहारिकाएं इससे इतनी दूर भी हो सकती है कि संभव है उनका प्रकाश अभी तक हम तक नहीं पहुंच सका हो और वे हमारे लिए अभी अदृश्य ही हो। हमारी ब्रह्मांड की हमारी निहारिका का नाम आकाशगंगा है, जिसे लोग मिल्की वे भी कहते हैं, जिसमें अरबों की संख्या में तारे हैं। ये सभी तारे अपने अपने सौर मंडलों के सूर्य हैं। हमारी सबसे नज़दीकी तारा अल्फा सेंटारी है, जो हमसे लगभग 2.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक सूर्य का सौर मंडल हो सकता है, जिनमें अनेक ग्रह होना संभव है। ग्रहों में से कुछ पर जीवन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था यानी सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, गंभीरता से निगरानी कर रही है। यदि अन्य ग्रहों पर जीवन पाया जाता है तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं होगा कि वहाँ के प्राणी हमारे जैसे हो। वे न केवल शारीरिक संरचना एवं शक्ल सूरत में वे हमसे भिन्न हो सकते हैं, बल्कि उनकी शारीरिक कोशिकाओं का आधार भी भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत की संरचना कार्बनिक होती है। वनस्पति जगत की कोशिकाओं का आधार मैग्नीशियम होता है, जबकि प्राणी जगत का कोशिकाओं का आधार लोहा होता है। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों की संरचना में मात्र यही अंतर है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों के प्राणी तकनीकी और बौद्धिक रूप से हमसे अधिक विकसित भी हो सकते हैं। हमारे विश्व में इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमसे अधिक विकसित सभ्यताएं
हमारे साथ संपर्क बनाने का प्रयास कर रही हो। हम संदेश प्रसारण के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग करते हैं। संभव है दूसरे ग्रह के जीव संदेश प्रसारण के लिए किसी दूसरी विधा का उपयोग करते हो। दुनिया के प्रत्येक भाग से उड़ंत स्त्रियों यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की देखे जाने के समाचार अक्सर मिलते रहते हैं। यद्यपि विश्व की सरकारें इसे स्वीकार नहीं करती और उन पर जनता को गुमराह करने के आरोप यदाकदा लगते ही रहते हैं। अमेरिका में एरिया 51 एक ऐसा ही प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र है जिसके बारे में समझा जाता है कि वहां उड़न तस्तरियों का अड्डा है और दूसरे ग्रहों से मिली उच्च तकनीकों पर अनुसंधान एवं विकास कार्य चल रहा है। खैर, इस संबंध में अभी निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। यूं तो किसी भी भाषा का किसी भी दूसरी भाषा में अनुवाद करना अपने आप में एक कठिन कार्य है, उसे बोधगम्य और धारा प्रवाह बनाए रखना और भी कठिन है। इसके लिए मैंने वाक्यों में अपनी ओर से कुछ शब्दों को जोड़ा है जिन्हें कोष्टक में रखा गया है, जिनसे भाव एवं अर्थ दोनों ही अधिक स्पष्ट होते हैं। संदर्भ की मांग पर आवश्यकता अनुसार कुछ टिप्पणियां भी जोड़ी गई हैं। आशा है पाठकों को यह प्रयोग पसंद आएगा। इस रूपांतरण में मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु श्री बी एन गच्छ से प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तथा अपने मित्रों विशेषकर श्री राम प्रकाश गुप्ता, श्री दिग्वीर सिंह चौहान एडवोकेट, डॉक्टर आर सी भाटिया, डॉक्टर आर के गुप्ता, डॉक्टर के पी शर्मा का भावपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, विशेष रूप से श्री प्रलब शर्मा, श्री प्रदीप सिंह तथा कुमारी रागिनी मिश्रा, जिनके सहयोग के बिना इस पुस्तक का प्रस्तुतीकरण संभव नहीं था, का मैं आभारी हूँ। मैं पुनः उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस पावन कार्य में सहयोग किया। पुस्तक के प्रस्तुतीकरण में निश्चित रूप से कुछ त्रुटियां रह गई होंगी। मैं उनके लिए पाठकों से क्षमा याचना करता हूँ तथा अपेक्षा करता हूँ कि विद्वत पाठकगण उन्हें मेरे संज्ञान में लाने का कष्ट अवश्य करेंगे ताकि उन्हें यथाशीघ्र सुधारा जा सके। इंदिरा कॉलोनी, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता। डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी ने अधिकतर लोबसांग रंपा के पुस्तकों का हिंदी अनुवाद किया है और उन्होंने बहुत ही अच्छा अनुवाद किया है, तो हम इस पुस्तक को सुनेंगे और इसमें जो भी हम सीख सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं ये बातें नहीं कहना चाहता, मैं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारी बातें इसमें ऐसी आएंगी जहाँ पे उड़न तस्तरी आएंगे, दूसरे ग्रह के जीव आएंगे, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपने श्री एम का हिमालयवासी गुरु के साय में अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि व्यास गुफा में उन्होंने भी एक उड़न तस्तरी देखा था जब वो व्यास गुफा में निवास कर रहे थे और उस उड़न तस्तरी में से एक नाग निकले थे। तो अगर आपने वो पुस्तक नहीं पढ़ा तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या सुन भी सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आगे अगले चैप्टर में पहला अध्याय शुरू होगा। आशा करता हूँ अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपसे निवेदन है कि आप पूरा सुनिएगा तभी आप हर चीज़ को ना अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। तो आगे के एपिसोड बहुत ही जल्द आएंगे, आप हमारे साथ बने रहें और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य शेयर करें। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।